हनुमानगंज इलाके में मां के साथ एक्टिवा से गिरी साल भर की मासूम बच्ची के पैर को लो फ्लोर बस ने कुचल दिया। हादसे में उसके दोनों पैर के पंजे लहूलुहान हो गए। मां को भी सिर में चोट लगी है। गनीमत रही कि मासूम का शरीर बस के पहिए में नहीं आया। घायल बच्ची को शाहजहानाबाद इलाके के निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। हनुमानगंज थाना पुलिस ने बस चालक के खिलाफ मामला दर्ज किया है। महामाई का बाग रेलवे स्टेशन के पास रहने वाले विकास जैन कपड़ा व्यापारी हैं। कैंची झोला इलाके में उनकी शॉप है। विनोद जैन ने बताया कि 5 दिसंबर को सुबह 8 बजे वह पत्नी वंदना, 4 साल की बड़ी बेटी अक्षिता को स्कूल छोड़ने ईदगाह हिल्स जा रहे थे। माँ की गोद में 1 साल की उनकी छोटी बेटी अव्या भी बैठी हुई थी। विकास ने बताया कि नादरा बस स्टैंड के सामने मजार के पास पहुंचे ही थे कि भोपाल टॉकी चौराहे की तरफ से आ रही SR5 सिटी बस के चालक ने उनकी एक्टिवा में टक्कर मार दी। हादसे में पत्नी और दोनों बेटियां नीचे गिर गईं। छोटी लड़की अव्या जैन के दोनों पैरों के ऊपर से बस का पहिया चढ़कर निकल गया। बेटी के पैरों से खून निकलने लगा। तुरंत ही उसे अस्पताल में एडमिट कराया। अभी उसका इलाज चल रहा है। बेटी की इलाज के कारण वह रिपोर्ट दर्ज नहीं करा सके। बुधवार रात थाने पहुंचकर मामला दर्ज कराया। विकास ने बताया कि हादसे में बड़ी बेटी और मुझे चोट नहीं लगी। छोटी बेटी पत्नी को ही चोट आई है। पत्नी के सिर में चोट लगी जबकि बच्ची के पैर में बस का पहिया चढ़ने से उसे चोट लगी। विकास ने दावा किया कि घटना के समय बस की रफ्तार अधिक थी। ड्राइवर बस को कंट्रोल नहीं कर सका। इस वजह से बस का पहिया बच्ची के पैर से गुजर गया। लो फ्लोर बस से हर रोज शहर में हादसे होते रहते हैं। इसकी बड़ी वजह बेकाबू रफ्तार है। ड्राइवर तेज रफ्तार से गाड़ी चलाते हैं। उनके बेखौफ होने की बड़ी वजह यह है कि हादसों के बाद केस की अदालत पुलिस में लड़ाई बस संचालक कंपनी लड़ती है। क्लेम भी कंपनी को ही देना पड़ता है। ऐसे में ड्राइवर बेलगाम गाड़ी भगाते हैं। ट्रैफिक पुलिस भी अमूमन इन बसों पर कार्यवाही नहीं करती।